नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एस्टम ऑडियो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। MP शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो सकती है रद्द, रोक गया है रिजल्ट। हम भले आपको खबर सुबह आ चुकी थी लेकिन अभी दे रहे हैं, जब हमारे पास सभी पुख्ता सबूत हो, पुख्ता जानकारी हो, तभी हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। MP शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो सकती है रद्द, रोका गया है इसका रिजल्ट। क्या क्या कारण है, कौन कौन सी संभावना है, उनको हम देखते हैं। MP में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 5 मार्च से 26 मार्च के मध्य हुई थी परीक्षा, का रिजल्ट 60 दिन बाद भी नहीं आया, ऐसे में परीक्षा रद्द होने की संभावना भी है। इस परीक्षा से 10 लाख उम्मीदवारों को भविष्य दांव पर लगा है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाया गया एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था, और ऐसा लीक हुआ था कि अंदर कोई और पेपर दे रहा था और बाहर से पर्चा लीक हो रहा था। तो जो गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाया गया एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था, PB तय करेगा क्या करना है। बोर्ड की डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा ने जल्द फैसला लेने की बात कही है। MP शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो सकती है कैंसिल, PB ने रोका है रिजल्ट। सिंधिया समर्थक मंत्री के कॉलेज से लीक हुआ था पेपर, भारतीय परीक्षा गड़बड़ी बोर्ड भी कहा जा रहा है PB को। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थियों ने आंदोलन किए, दांव लगाए, वर्ग 3 रद्द हो सकती है परीक्षा से 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट जो है उनके मतलब गोविंद सिंह के एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जाँच कर बता दिया था कि धांधली तो नहीं किया था लेकिन पेपर लीक हुआ है। अब उसमें किस प्रकार की धांधली है, पेपर में पकड़ा गया तो हो सकता है सही पेपर में निश्चित रूप से धांधली की संभावना है। अब इसका क्या हल निकलता है उसके बारे में आपको बताएंगे। PB के पास 3 विकल्प है, पहला विकल्प है तो वर्ग 3 की पूरी परीक्षा रद्द हो, नए सिरे से परीक्षा हो। दूसरा, जिस सेंटर में धांधली हुई वही की परीक्षा रद्द हो। अब सेंटर में भली धांधली हुई हो लेकिन क्या कह सकते हो, उसका क्या आधार मानने की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उस सेंटर संबंधी जानकारी क्या कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी तो हम आपके लिए उपलब्ध करा नहीं सकते, और भी जो बातें होंगी उससे पता चलेगा। तो जो सेंटर पे अब ये भी नहीं बता सकते, एक सेंटर की तो पकड़ी गई, हो सकता है कई सेंटरों पर धांधली हुई हो। 25 मार्च का पर्चा वायरल हुआ, सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द हो तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे पीछे के दिनों में धांधली नहीं हुई होगी, या उसी सेंटर की परीक्षा रद्द करते हैं तो भी गारंटी नहीं दे सकते कि केवल उसी सेंटर पर भ्रष्टाचार या धांधली पाई गई है, सभी सेंटरों में पाए जाने की संभावना है। इसलिए वर्ग 3 की पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है। रिजल्ट 45 दिन में आना था, 60 दिन से ज़्यादा हो गए। 25 मार्च को वर्ग 3 भर्ती पात्रता परीक्षा का आखिरी पेपर था, 26 को इसी पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। पेपर लीक के आरोपों पर जांच MPTET मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने की दी गई रिपोर्ट में भी बताया गया है कि वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षा सेंटर से बाहर का है लेकिन प्रश्न पत्र जो है वह असली था, यानी परीक्षा के सिस्टम में सेंधमारी हुई है। जांच रिपोर्ट में परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा एजेंसी और विजिलेटर की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ये भी कहा है कि धांधली संगठित गिरोह को अंजाम दे चुकी है। परीक्षा फैसला चाहे कुछ भी हो, सवाल तो उठेंगे। पूरी परीक्षा रद्द की तो एजेंसी के खर्च पर ही नए सिरे से पेपर होंगे। इस पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों का गुस्सा पनपेगा। सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा रद्द की तो सवाल उठेगा कि जब यहाँ सेंधमारी हुई तो अन्य सेंटर पर भी गड़बड़ी हुई होगी। 25 मार्च का पेपर रद्द हुआ तो दूसरे छात्र अपनी परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे और कहेंगे कि क्या सब 25 तारीख को ही धांधली हुई थी। अब इसमें देखते हैं क्या है। परीक्षार्थी रोल नंबर जो 23-16-59-20 परीक्षा पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। इन्विजिलेटर जो है 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की। परीक्षा एजेंसी एडिक्यूटी का सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस
एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। गड़बड़ी की जांच पुलिस भी करेगी कि धांधली की जांच करेगी। इसी आधार पर इसमें अलग अलग आरोपियों के नाम तय होंगे। और पहली भी रद्द हुए हैं एग्जाम 10 व 11 फरवरी 2021 को आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी में भी धांधली की शिकायत सही पाई गई थी। जनवरी में 2 अन्य परीक्षाओं में स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई थी। इसके बाद जाँच रिपोर्ट के बाद परीक्षाओं को रद्द किया गया। वर्ग 3 के भी कयास लगाए जा रहे हैं और रद्द होने ही चाहिए। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ मान्य नहीं होगा। तो आप लेकिन अपनी तैयारी में लगे रहें, कभी परीक्षा कैंसिल हो सकती है। और आगे परीक्षा में एमपी पटवारी की परीक्षा भी आनी है, एमपीएसआई की भी आनी है और एक वन रक्षक की परीक्षा भी आनी है। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहें और जहाँ जहाँ भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे।